हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। ये जो वीडियो है, आज आपका 20 जनवरी 2021 को जो स्माइल का होमवर्क आया है, ये वीडियो उसके लिए है। तो बच्चों, आज हमारा कक्षा 8वीं में संस्कृत में जो 5वां पाठ है, कंठ के नैव कंटकम, इसी पाठ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा आया है, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के आप उत्तर लिखिए। पहला है, कंट के नेव कंटकम इति पाठस्य क्रमः कः अस्ति। कंट के नेव कंटकम, ये पाठ का नंबर कौन सा, ये पाठ कितने नंबर पर है, इस पाठ का क्रम क्या है। तो उत्तर है, कंट के नेव कंटकम इति पाठस्य क्रमः पंचमः अस्ति। ये पाठ 5वां है। ये पाठ कौन सा है, कंठ के नेव कंटकम, ये पाठ 5वां है। अगला है, कंठ के नेव कंटकम इति पाठस्य संकलन कर्ता क अस्ति। कंठ के नेव कंटकम, इस पाठ के संकलन कर्ता कौन है। तो बच्चों, ये जो पाठ है, ये एक लोक कथा है। तो लोक कथा का कोई संकलन कर्ता नहीं होता है। लोक कथा मतलब जो हमने अपने पूर्वजों के मुंह से सुनी है। कंट के नेव कंटकम इति पाठस्य लोक कथाया अस्ति। ये जो पाठ है, ये एक लोक कथा है। सर्व स्वार्थम समीहते इति सर्वप्रथम क उक्तवान। सर्व स्वार्थम समीहते, ये सबसे पहले किसने कहा था। तो सर्व स्वार्थम समीहते इति सर्वप्रथमम व्याघ्र उक्तवान, ये सबसे पहले व्याघ्र ने कहा था। प्रश्न सेकंड है, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम करुत। निम्नलिखित के जो उक्ति दी गई है, इसका प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है, मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, मानव वृक्षों की छाया में रहते हैं। तो अगला है, इसका प्रश्न बनाया गया, का वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, कौन वृक्षों की छाया में रहते हैं, मानव वृक्षों की छाया में रहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, चंचल ने वृक्ष से जाकर पूछा। तो इसका प्रश्न बनाया, क वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, किसने वृक्षों से जाकर पूछा। अगला है, व्याघ्र नदा जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शम्यत, व्याघ ने नदी के जल से किसकी प्यास बुझा, व्याघ ने नदी के जल से व्याघ्र की प्यास बुझाई। तो इसका प्रश्न बना, व्याघ नदह जलेन कस्य पिपासाम शम्यत, व्याघ ने नदी के जल से किसकी प्यास बुझाई। प्रश्न तीसरा है, यथा निर्देश मुत्र, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर दीजिए। तो कह स लोम शिकाय सर्वाम कथा नवेद्यत, अस्मिन वाक्य कृत पदम किम अस्ति लिखत, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है। तो इसमें कर्ता पद है स। पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दृश्य अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति लिखत, इस वाक्य में अव्यय पदम कौन सा है। तो अव्यय पद वो होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यहां जो पुनः पुनः है, ये अव्यय पद है। अगला प्रश्न है, उचित मेलनम करु, उचित मेल कीजिए क बुभिक्ष्ट, बुभिक्ष्ट का होगा व्याघ्र, भूखा व्याघ्र, नलिना लोमशिका छुपी हुई लोमड़ी, निखिलाम कथाम पूरी कथा, अनार्तम कूर्दनम लगातार कूदना। तो इस तरह से बच्चों, आपका होमवर्क पूरा होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।